नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्मांतरण न करने पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल। इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए दबाव बनाने वाले जिन लोगों के खिलाफ हुई थी, अब वह लोग जमानत पर वापस आ गए हैं। कई दफा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई है। पुलिस की तरफ से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल पाई है। हिंदू राष्ट्र में आज एक अकेली हिंदू लड़की ही सुरक्षित नहीं है। क्या मेरी गलती यह है कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया? आज मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, राम जी की कृपा से आज मैं बच गई हूँ, लेकिन अगर कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो जल्द ही श्रद्धा के जैसे मेरे भी न जाने कितने टुकड़े कहाँ मिलेंगे पता नहीं। ऐसे आरोप रेखा तेजवानी, थाना गांधी नगर, भोपाल ने लगाया है। भोपाल संवाददाता दिनेश मालवीय की रिपोर्ट। मेरा नाम रेखा तेजवानी है, मैं भोपाल के थाना गांधी नगर इलाके के रहने वाली हूँ। इस्लाम धर्म कबूल करने वाले 5 अपराधियों के खिलाफ 3 नवंबर को जो FIR हुई थी, वो लोग जेल चले गए थे, जमानत पे वो लोग वापस आ गए हैं। कई दफ़ा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। आज सुबह उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसका साथ आजू बाजू रहने वाले हिंदू समाज वालों ने भी किया है। मैं थाना गांधी नगर गई, वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद मैं माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सहायता नहीं हो पाई। फिर मैं अंत में हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी के पास गई। उन्होंने थाना गांधी नगर TI को फ़ोन लगाया कि मुकदमा कायम किया जाए। मैं वापस थाना गांधी नगर गई, लेकिन जांच का बोल के मुझे वापस घर भेज दिया गया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैंने उनसे बोला भी कि मैं घर जाऊंगी तो सुबह तक बचूंगी भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने मुझे आपके सामने TI के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी, तो TI ने बोला कि नहीं, हम मुकदमा कायम करेंगे, आप अभी घर जाओ। सुबह जब मैं घर पर थी, घर पर ही तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था ना। CM साहब, मामा जी, आपने तो योजना बनाई है करके कि लाडली लक्ष्मी बहन योजना, जब आपके राज्य में बहन ही सुरक्षित नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? अपने छोटे एक बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ? कृपया मेरी मदद कीजिए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करिए और मुझे सुरक्षा प्रदान करिए। कोई भरोसा नहीं है मेरे पास, कितनी बार जानलेवा हमला हो चुका है। आज तो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी मैंने उन लोगों को, पुलिस वालों को दिखाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामा जी प्लीज़ मेरी मदद करिए, मामा जी प्लीज़ मेरी मदद करिए।